ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕੋ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ ਪੱਕਾ ਹੂੰ ਉਹ ਐਨਸੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗੀ ਕਿਆ ਹੈ ਬੁਲਾਉਂਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੱਕਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਰਹਾ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਲਾਂਮਾ ਹੈ ਬੜਾ ਲਾਂਮਾ ਦੇ ਆ ਦੇ ਲੋਪੇ ਤੂੰ ਉਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂ ਵੀ ਡੋਗਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਸੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੀ ਅਖਨੇ ਮੈਂ ਝਲੀਆਂ ਮੀ ਕੋਈ ਆਈ ਐਮ ਨੋ ਈਗੋ ਫਾਰ ਜਮ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਲੇਕਨ ਉਸ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ पक्की करूंगा ये मैं आपको कह दूं। hmm. आज वो एक जुलूस निकाल रहे थे सारे डीडीसी वाले हो गए पटवारी के, के खिलाफ यार क्या बात करते हो जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जो चेयरमैन बीजेपी के जो डीडीसी के मेंबर जो डीडीसी के चेयरमैन या ये लोग जुलूस निकालते एक पटवारी के लिए ये क्षेत्रीय दल इनको कहाँ कंसिडर करें हम और मैं बसोली का एक वीडियो देख रहा था परसुचौथ की hmm. तो वहाँ भी वो कठुआ के जो डी डी जो भी बने अभी नए जो बच्चे और वहाँ अडिशनल डीसी उनकी रेस्ट हाउस में मीटिंग ले रहा था क्या बात है और वो अडिशनल डी सी साहब मीटिंग ले रहे हैं और दोस्त चोर और, और बैठे हैं उनकी ट्रालियाँ बंद की हैं साठ ट्रालियाँ उनकी थाने के अंदर दी हुई हैं चौधरी लाल सिंह था ना किसी की हिम्मत नहीं थी जम्मू की राजनीति में आप अगर एक नाम को बाहर निकाल दें तो राजनीति अधूरी हो जाती है नाम है चौधरी लाल सिंह पूर्व कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट पूर्व भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और डोगरा स्वाभिमान और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी छोड़कर डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया उसके चेयरमैन चौधरी लाल सिंह मेरे साथ हैं आज चौधरी लाल सिंह के साथ कुछ तल्ख बातें होंगी चौधरी ये कहानी पूर्व कांग्रेस तिवारी पूर्व कांग्रेस तिवारी भाई <laughs> साहब ये बताइए भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री कहते हैं कि कौन चौधरी लाल सिंह उनकी धर्मपत्नी चुनाव हार गई तो आप उनकी क्या बात करते हैं क्या कहेंगे आप इस पर देखो हम हैरान होते हैं कि जिन लोगों ने कोई इलेक्शन लड़ा नहीं खुद वो सोच रहे हैं कि मैं लड़ा के जिता रहा हूं कितनी गलतफहमी है और एक वो इसी में निचोड़ निकाल रहे हैं कि इलेक्शन हो गया कौन है वो लाल सिंह कौन है लोगों को पूछो लाल सिंह कौन है और दूसरा नंबर ये इलेक्शन मामूली एक इलेक्शन छोटे से इलेक्शन के लिए जो मैंने छः इलेक्शन पाँच छः इलेक्शन जीते हुए हैं मैंने और वाइफ ने वो गिनती नहीं आती आपको क्या हैं इसलिए ये बड़ी अभी लंबी गेम है अभी इन्होंने क्या दिखा है शुरुआत है आगे देखो क्या होता है सफ़र खत्म नहीं हुआ अभी चाहे सब प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लोगों में रोष है चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर चैंबर ऑफ जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने उनने भी उनके अध्यक्ष ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि पहले पाँच अगस्त का फैसला उसके बाद कोविड की मार इस मार से अभी हमारी जो इकोनमी है वो उभरी ही नहीं है आपने आम लोगों के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया हालांकि जम्मू मुंसिपल कॉरपोरेशन ने इस पर क्लैरिफिकेशन भी दी है कि अभी टैक्स नहीं लगेगा लेकिन सरकार ने नोटिफिकेशन इशू की है और नोटिफिकेशन विद्रॉ हुई हो वैसा कुछ भी अभी तक सामने नहीं आया है आप सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं और जो जम्मू मुंसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर कह रहे हैं कि ये टैक्स नहीं लगेगा उस बात को आप कैसे देखते हैं देखो एक तो अनपढ़ों वाली बात होती है कि कभी आदमी उठ के कह दे कि महाराज ये अभी लगा नहीं है नोट वट इज़ द मीन ऑफ द नोटिफिकेशन जब नोटिफिकेशन निकल चुकी है जारी हो गई है और ये होता है जिस दिन नोटिफिकेशन निकलती है उसके बाद वो काम शुरू हो गया अब वापसी की तो बात कहा कब होनी है क्या होनी है ये लोग पता नहीं कितना बड़ा स्ट्रगल करना पड़े ये जायती है जबरदस्त और ख़ास ये उन्होंने ठीक कहा कि अभी लोग कोरोना की मार से इकानमी बढ़ी नहीं इकानमी में अभी कमज़ोरी है ये बात सही है लेकिन कमज़ोरी किसकी वजह से है कौन लोग उनके साथ खड़े हैं ये भी थोड़ा नाप नापतोल करें कि आप लोग तीसरे दिन बुलाया होता है उनको इधर और आके आपको ये रोज नया का लाइसेंस मिल जाता है कि आप ये टैक्स दो कल वो दो आज ये करो कल वो करो क्वेश्चन ये है प्रॉपर्टी टैक्स का मतलब क्या है एक आदमी मकान बनाता अपना कर्जा लेके पैसे ले के और मकान बनाने के बाद अभी उसका कर्जा खत्म नहीं हुआ तो आपने उसके छत नाप लिया हैं और उसको तो कह दिया कि आ, वो उसका जो किश्त देनी है वो टूटे टूटे लेकिन जो टैक्स जमा करा उसको कब कैसे लगेगा कि ये मकान मेरा है वो कैसे महसूस करेगा कि मेरा अपना मकान है जब अपना मकान उसने बनाया ब्रिक पे ईंट पे सीमेंट पे सर पे रेत बजरी पे कहाँ टैक्स नहीं दिया उसने कहां नहीं टैक्स दिया ये कौन सा उस पर सारे टैक्स तो ले चुके हो उस बिल्डिंग बनाने पे ये प्रॉपर्टी टैक्स कहां से आपने घुसेड़ के लगा दिया क्या लोगों की ऐसी स्थिति है सरकार ने लोगों को इस काबुल बनाया है कि लोग अपनी जेब से चार पैसे दे के टैक्स दे सकते हैं क्या ऐसी पॉसिबिलिटियाँ बनाई हैं क्या ऐसी सहूलियात कोई मिली है आप ये ध्यान से देखें कि लोगों की जो पोजीशन है इस समय पोजीशन है इकोनॉमिकली इतने कमजोर हो चुके हैं हर आदमी किसी को भी पूछो यानी मन कोई मेरा ख्याल है कि वो टोल देने के लिए रो रहा होता अब एक टैक्स खत्म होता है उसके साथ दूसरा टैक्स ऐसे आ रहा होता ये तो मैंने प्रॉपर्टी टैक्स के लिए तो पहले ही कहा था कि आप पे प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं उन दिनों इलेक्शन आ गया इन्होंने कहा नहीं नहीं हम टैक्स नहीं लगा रहे ये मुझे बताइए जब उस दिन के गवर्नर हिज एक्सलेंसी साहब ने जब वो उस दिन कह दिया कि कोई टैक्स नहीं है जो उसके उसने कह दिया आ, जो स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट के टैक्स नहीं उसके पहले के पहले, कि पहले कहा टैक्स पहले का बाद में कहा टैक्स नहीं है मुझे बताइए कि उस दिन जब आप कहते हो टैक्स नहीं है लोग विश्वास किस पे करें कि टैक्स है तो कागज में टैक्स है पेपर में टैक्स है और नोटिफिकेशन में टैक्स है व्हाट इज दिस नॉनसेंस अभी लोगों को बहुत से टैक्स भुगतने हैं अभी वो सोचते हैं रात को क्या इस पर कोई आंदोलन करेंगे मैं इसके विरोध में हूँ इसके खिलाफ हूँ जो मेरे से बन पाया मैं लोगों को कहूँगा लोग सहयोग करें तो मैं कल ही करने को तैयार हूँ लोगों को सहयोग अभी लोगों को टैक्स देने की अभी तो अभी कहानी शुरू हुई है ना और कहने का मकसद है कि जो लोगों के साथ जायती है उसकी वो तो हमें भी बहुत तकलीफ है इस बात की और जिस भी मसले पे अगर लोग हमारे सहयोग में खड़े होते हैं तो अब वी आर रेडी टू फाइट फॉर द पीपल ऑफ दिस स्टेट हमारे इस एरिया के लिए पर वो जो अपने जो मेयर साहब हैं और डिप्टी मेयर साहब हैं वो अखा कि नहीं टैक्स अभी लगेगा नहीं टैक्स जो आपके ऊपर लागू हुआ है हम इसको लागू नहीं होने देंगे You... यार तो हाउ डू मेर अगली बार मेयर तो होना है बिलासपुर का क्या मेयर की बात करते हो गिनती की आपको अठारह लाख डोमिसल किसका बना है चौथी लाख में से आउटसाइडर का कहाँ रहेगी मेरी शेरी इनकी कहाँ रहेंगी इनके कारपोरेशने किसी के नहीं रहेंगी कोई पार्टी सारी भूल जाए अब ऐसे होगा जैसे दिल्ली में वो बाहर जो एक्चुअल दिल्ली के रहने वाले लोग हैं वो सोचते हैं पूछते हैं अपने नलके के पानी के कनेक्शन के लिए जाते हैं किसके पास ये हाल बना रहे हैं ये लोग कहाँ इनको सोचो भाई साहब आप ऐसी बातें मत करो आप ये सोचो कि अगली दफ़ा मेयर किसने होना है ये अठारह लाख नब्बे लाख साठ लाख सत्तर लाख से तो एक एम बनता है यहाँ अठारह लाख में कितने एम एल ए बनेंगे बोलो और उसके बाद जो अभी बन रहे हैं कंटिन्यू बन रहे हैं ये अभी डाटा पिछली कोई महीना पहले की बात कर रहा हूँ बन रहे हैं तो अब सोचिए अगला मेंबर पार्लियामेंट कौन होगा जुगल जी होंगे क्या ना सवाल ही नहीं पैदा हो सकता नहीं अफसोस है मुझे अगली दफ़ा हमारे ये गोरे चट्टे सुंदर चेहरे असम्बली में पार्लियामेंट में कॉरपोरेशन में नहीं मिलेंगे अब नीले पीले मिलेंगे इनको आ, कलर भी नहीं बता पाएंगे क्या है हालात ये बनने जा रहे हैं आई एम सॉरी फॉर देट हमें किसी से नफरत नहीं है लेकिन हमारी पहचान को जम्मू की पहचान को कश्मीर की अपनी पहचान को अब ख़त्म और तबाही तरफ किया जा रहा है ढूंढते रहोगे और कहते ना ढूंढते रह जाओगे वो दाग वाला मसला रह जाओगे तो लगाओ एरियल्स ये लगेगा ढूंढते रह जाओगे कहाँ डोगरा कहा कश्मीरी तो सब मुझे बताइएगा कि डीडीसी के चुनाव के बाद अब डीडीसी के चेयरपर्सन के चुनाव हुए सीक्रेट बैलेट के जरिए सारा मामला हुआ जम्मू में छः डी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और चौदह उनके पास और आठ जो हैं वो गुप्कार के पास हैं आप हालांकि बाद मैं तो को कश्मीर में टूट गया इलेक्शन कराओ नहीं मिलेगा जम्मू के लोगों को इनपे उम्मीद अभी तक भी कईयों ने बना के रखी है मैं कईयों से बात हुई ना नहीं नहीं, नहीं नहीं कुछ होना है पता है नहीं इनको क्या होना है किसी ने गुतरू करने हैं क्या करने हैं पता नहीं क्या करना नो क्या होना है तो अभी कुछ लोग जो क्या होना है उसकी आस में है तो इसलिए लोग सोचते हैं थोड़ा अभी टाइम थोड़ा यार देख लो थोड़ा सा यार पिक्चर देख रहा होता ना वो कहता यार चल यार नहीं, नहीं छो नहीं नहीं थोड़ा और देख प्लीज़ ये फिल्म ये सीन चल रहा है देख लेते हैं क्वेश्चन ये है कि ये ये जो देख रहे हैं ना ये भी देखेंगी देखते रह जाएंगे जम्मू में नुकसान इनका बहुत हो रहा है जम्मू की पहचान टोटली ख़त्म हो रही है कश्मीर वालों की पहचान अभी भी बरकरार है और मैं कहूँगा रहे और वो रखें बना के रखनी चाहिए अपनी आइडेंटिटी क्यों छोड़नी है पंजाबी की पंजाबी रहनी चाहिए मद्रासी की मद्रासी रहनी चाहिए बंगाली बंगाली रहना चाहिए क्यों नहीं रहना चाहिए एक कल्चर है यार ये हमारे लोगों की एक पहचान है आइडेंटिटीज है उनका अपना अपना स्वभाव है खाने का पीने का रहने का लगाने का लाने का वो क्यों खराब करना किसी को या मिक्सचर थोड़ी बनाना है कोई यहाँ सब्जी बनाने जा रहे हो कौन सी सब्जी बना दो जी नहीं डाल दो सारा कुछ बीच में यार क्यों डाल दो टेस्ट अलग अलग उसका अलग अलग अपना ही निकलना चाहिए सेकुलरिज्म रहना चाहिए वो बड़ी बात है लेकिन कहो कि किसी की आइडेंटिटी को ख़त्म करना ये अच्छा काम नहीं है अगर आप आइडेंटिटी यहाँ वाली आइडेंटिटी पर ख़ात्मा कर रहे हो तो फिर वो लद्दाख वालों को आपने अभी एक कमेटी बनी है आपको पता होना चाहिए कमेटी बन गई है और बड़े लोग शामिल किए हैं इसमें देश में ये मैं चक्कर लगाता रहा मुझे सारी खबर है और उनके लिए सिक्स शेड्यूल बनने जा रहा है और मिलेगा जिसमें ना उनकी कोई जमीन ले पाएगा तो किसी ने आपको ये बताया कि वहाँ प्रॉपर्टी टैक्स भी लागू नहीं हुआ है तो वहाँ के लिए कानून जो है वो रिपील कर दिया गया मैं कहता हूँ कि लद्दाख का अभी ये शेड्यूल भी लागू करेंगे उनकी जमीन भी कोई नहीं ले पाएगा वहाँ उन पर कोई आइडेंटिटी खत्म नहीं कर पाएगा उनका पूरा अधिकार और लेजिस्लेशन भी अपन बना रहे हैं मैंने पढ़ा एक जगह जाके ये आपको नई खबर सुना रहा हूँ ये आपको अभी थोड़े दिनों में बाहर आ जाएगी अब इनकी बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है इनके साथ गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट इनको देने को तैयार है और मुझे अफसोस है कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को क्या देने को तैयार है चौबीस देश के देश आए लोग आएंगे पहले पिछली बार आए चल के आए क्या मिला लोगों को अभी भी आए क्या देखेंगी क्या होगा भाई दीवी क्या करेंगे आप धमाके वहाँ बेचारा वो कृष्ण ढाबा वाला कितना नुकसान हुआ उसका पहले फादर मर गया था मैं उसकी तीन जनरेशन से वहाँ खाना खाता हूँ और बहुत मैं कहता हूँ फिट जगह है हमारे जम्मू के लोगों के लिए सबके लिए और जम्मू का आदमी है रामनगर का आदमी है वो त्रे सौ सत्तर का पहले का आदमी है वो तो स्टेट्स व्यक्ति है उस आदमी को कश्मीर वाला वहाँ को स्टेट्स व्यक्ति है वहाँ वो कश्मीर के लोग भी बड़े शौक से खाना खाते हैं मैं तो हम तो रेगुलर खाते हैं मैं तो नाइन्टी सिक्स में उस कच्चे होटल में खाना खाया करता था मुझे अफसोस है उस बात का मुझे तकलीफ हुई जब उसके बच्चे को गोली लगी उससे पहले उसके बाबा का अटैक हुआ दो तीन बार ऐसा हो चुका है आई एम सॉरी फॉर देट और एक किलोमीटर पे अटैक हो गया यहाँ मीटिंग हुई किसकी बात कर रहे कौन सी सुरक्षा कौन सी रक्षा कौन सी ऐसी बात ये हमें समय नहीं आ रही वट दे आर डूइंग आप बाकी फ़ॉरन वाले हमारा क्या डिसाइड डिसा करेंगे

एक प्लेटफॉर्म पर आप लोग इकट्ठे होकर बात क्यों नहीं कर रहे देखो साहब एक बात आपको क्लियर बता दूं जो आदमी मुस्लिम के खिलाफ बात करेगा उसके साथ हम यूनाइट हो जाएंगे क्या जो हमेशा बात करेगा एक जो गुट एक, एक 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 तरफ जो अभी पार्टियां बनी नहीं हुँ। तो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट बड़ी दड़ी द थिंकिंग ऑफ ऐसे लोगों के साथ सहयोग करना क्या यहाँ तक सवाल है हर्ष जी उनका साथ है बड़ बढ़िया लड़ाई लड़ते हैं जम्मू के लिए हम उनके साथ हैं बिल्कुल साथ खड़े हैं कोई बात ही नहीं जब बात आएगी तो होगा तय होगा हम तो कोई भी पार्टी जो जम्मू के हित की बात करेगी उसके साथ खड़े हैं लोग कहते हैं कि तीन लीडर थे श्यामलाल शर्मा चौधरी लाल सिंह देवेंद्र सिंह राणा हर्षदेव सिंह ये चार लीडर थे चारों लीडर जम्मू की बात करते हैं जम्मू संभाग को लेकर बात करते हैं चारों अलग अलग प्लेटफॉर्मों में हैं एक साथ एक टेबल पर बैठने के लिए तैयार नहीं एक टेबल पर बैठकर जम्मू की बात करने के लिए तैयार नहीं मैं एक दिन आपके लिए ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕੋ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ ਪੱਕਾ ਹੂੰ ਉਹ ਐਨਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗੀ ਕਿਆ ਹੈ ਬੁਲਾਉਂਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੱਕਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਰਹਾ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਸੇ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕੀ ਬੜਾ ਲਾਂਮਾ ਹੈ ਬੜਾ ਲਾਂਮਾ ਦੇ ਆ ਦੇ ਲੋਪੇ ਤੂੰ ਉਸਕੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਦੇ ਆਉ ਵੀ ਡੋਗਣਾ ਤੇ ਆ ਸੁਣੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਮੀ ਆਖਨੇ ਮੈਂ ਜਲੀਆਂ ਮੀ ਕੋਈ ਆਈ ਐਮ ਨੋ ਹੀ ਕੋ ਫਾਰ ਜਮ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਲੇਕਰ ਉਸ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ पक्की करूंगा ये मैं आपको कह दूं तो हर्षजेव से मेरी बात होती रहती है दिस इज वेरी क्लियर इनसे बात करूंगा कि हाँ वो कैसे बीजेपी से बाहर उठ के बात कर सकते हैं वो उनका अपना अगर जम्मू की बात कर क्लियर बात है ये बात क्लियर हो जाएगी थीकर अगर थीकर वो थीकर चाहते थीकर हैं चाहेंगे कि हम किट्ठे हो जाए लेट्स मैं कल करता हूँ मेरा कोई ईगो नहीं है कि मैं जम्मू जम्मू में मुझे ये दे दो वो दे दो नो मैं कहता जम्मू यूनाइट होना जाना चाहूँगा आपको लगता है कि रीजनल पार्टी ए, ए, एक आधा तरीका है जिस तरीके से जम्मू की बात पुख्ता तरीके से हो क्योंकि हमने ये अब अब जम्मू जम्मू संभाग में देखा है जम्मू संभाग लंबे समय तक कांग्रेस को वोट डालता रहा लेकिन कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कश्मीर से बनता रहा अब भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो जो दिल्ली में फैसला होगा वो बीजेपी का फैसला है लेकिन क्षेत्रीय बीजेपी का अगर कोई फैसला है उनकी कोई ग्रिवेंस है वो फोर लंबे समय तक मांगते रहे लेकिन जब उन्होंने देना था तभी दिया तो अब मुझे बताइए कि क्षेत्रीय दल मेरी सुनो अभी ये अभी मैं एक वीडियो ऐसे देख रहा था मेरे हीरानगर के लोग जो रसाना में एजुटेशन करते हैं उनको पार्टी से निकाल दिया था फिर मैंने पार्टी में उनको बहाल कराया था विजय शर्मा जी वो आई कमेटी के चेयरमैन है वहाँ आए वो एक जुलूस निकाल रहे थे सारे डीडीसी वाले इकट्ठे हो किट्ठे पटवारी के, के खिलाफ हाँ यार क्या बात करते हो जो डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट जो चेयरमैन बीजेपी के जो डी के मेम्बर जो डी के चेयरमैन लोग जुलूस निकालते एक पटवारी के लिए ये क्षेत्रीय दल इनको कहाँ कंसिडर करें हम जम्मू में इन्होंने नारा लगा रहे थे पिछले दिन हमने देखा होगा इन्होंने इसके किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी किसी ऑफिसर के लिए साहब ये पटवारी तक तो मरे हुए हैं ये जम्मू जम्मू के, के हैं कहाँ सोच देखो और मैं बसोली का एक वीडियो देख रहा था परसु चौथ की तो वहाँ भी वो कठुआ के जो डी डी जो भी बने अभी नए जो बचे और वहाँ अडिशनल डीसी उनकी रेस्ट हाउस में मीटिंग ले रहा था क्या बात है और वो अडिशनल डी सी साहब मीटिंग ले रहे हैं और दोस्त चोर और, और बैठे हैं उनकी ट्रालियाँ है बंद की हैं सठ ट्रालियाँ है उनकी थाने के अंदर दी हुई हैं चौधरी लाल सिंह था ना किसी की हिम्मत नहीं थी मेरी पार्टी का था या कोई या मेरी पार्टी से ना भी था कोई भी आदमी किसी का मोटरसाइकिल और किसी की ट्राली नहीं रोक सकता था उस इलाके में क्यों बोला कि भाई साहब इन लोगों का अधिकार है वहां ज़मीनें इनकी उस दरिया से बहती हैं कोई आके देखता क्या उस दरिया का फायदा भी इनका नुकसान भी इनका अब फायदा लेने के लिए और फिर रॉयल्टी आठ रुपए की आप छे सौ कर दोगे हैं तो फिर ये जुलूस निकाल निकालने बीजेपी वाले तो एक लड़के ने बाहर से कह दिया जनाब ये सारी चीजें हमारी खराब है तो ये सारा कसूर बीजेपी का है तो वहाँ लोग उसको जो चंद लोग बीजेपी के खड़े थे उसको पड़ गए जी मैं वीडियो देख रहा हूँ हैं एक हमारा भी एक चेला था वो भी उसको मैं पीछे पीछे कर रहा था मैं देखा हैं मैं हैरान हो गया कि बंदे बोल ही नहीं सकते अब इनको र, एक रेत लेने के लिए बीजेपी रेत नहीं ला सकती ट्राली नहीं चला सकती पटोरी से नकल नहीं ले सकती वीडियो से अपनी पेमेंट नहीं करवा सकती यार कौन सी पार्टी की बात कर रहे यार अफसोस है कहाँ से चलना है इसलिए जहाँ कुछ भी मैं नहीं कहता किसी पार्टी का जहाँ कुछ नहीं है अपोजिशन तो छोड़ो उनको तो होगा ही नहीं जब सरकारी पार्टियों का ये हाल है वो मांग वो जुलूस निकालते हैं शर्म आती है पर जुलूस किसके खिलाफ निकालते हो सरकार तो आपकी है हैं आप अपनी दाढ़ी खुद ही खींच रहे हो भाई साहब लोग किसी की दाढ़ी खींचते हैं या अपनी खींचने में लगे हुए हैं और और अगर इनकी बात ही नहीं मानी जा रही क्षेत्रीय दल में कहता इनसे स्ट्रांग है उनसे लोग डरते हैं हर चे को जैसा मर्जी करें हमें जैसा मर्जी करें किसी को ऐसे को और भी नाम लें डर जरूर है इनसे कौन डर रहा है जिनकी सरकार कार, कारण क्या कारण यह है कि उनको जम्मू कश्मीर से कुछ नहीं लेना बीजेपी को आज मैं सही बात सुनाऊँ वो कहते डूबे ये सारे लोग चाहे हिंदू या मुसलमान बेड़ा गर्क हो लेकिन इसके सिर पे हम हिंदुस्तान में सरकार बनानी है अगली नोट करना मेरी बात उस चक्कर में पड़े हैं कि जो हमारी पाँच छत्तीस सीट जो है लखनपुर के पार पाँच सौ सैंती फाइव हंड्रेड थ्री सेवन हैं और छः डालेंगे पाँच सौ तरतालीस हो जाएंगी ना तो दो नामिनेटेड पाँच सौ पैंतालीस की सीट से होती है मैं एम पी रहा हूँ अब वो पाँच सौ जो छत्तीस सैंतीस सी, सीट्स हैं हिंदुस्तान की, की उनको चिंता उनकी उनको पता जम्मू से दो सीट मिलती हैं कश्मीर वाले तो वैसे ही नहीं देंगे राइट तो अगली खबर अगली अगली बीस सौ चौबीस वाली मैं ही छीन लूँ मुझे। तो मुझे ध्यान से नहीं सुनते यार अगली बीस सौ चौबीस वाली मैं ही छीन लू नोट करना मेरी बात क्योंकि ये सीट मैंने ही जीती थी मैंने मेरे बाद ही कोई जीत नहीं पाया सो so क्वेश्चन ये है अब हम जम्मू के लोग सारे लोग यूनाइटेड हो जाएंगे सारे एक बताइएगा अभी अगर कश्मीर की बात करें तो गुप्कार अलायंस बना उन्होंने कहा तीन सौ से वापस लेंगे चुनाव जीते चुनाव जीतने के बाद सारे दल अलग अलग हो गए अपने अपनी साइड चले गए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तब भी छह जगह पर उन्होंने अपनी डी बना ली बड़ा है, बड़ा ठीक है मैं आपसे ये जानना चाहूंगा जम्मू संभाग में चीज़ संभव क्यों नहीं हो पाती कि चलिए ठीक है आपके दल अलग अलग हैं लेकिन जम्मू डिक्लेरेशन को लेकर पिछले दिनों देवेंद्र सिंह राणा ने एक बात की कि मैं जम्मू डिक्लेरेशन कराऊंगा और मैं हर नेता के दरवाजे पर जाऊंगा आपके दरवाजे पर आए और क्या जम्मू डिक्लेरेशन संभव है क्या आप लोग अपने अपने स्वार्थ छोड़कर जम्मू के लिए इकट्ठा होंगे मेरी सुनो हमारा कोई स्वार्थ नहीं लाल सिंह का स्वार्थ होता तो मैं बड़े बड़े घर से उठ के आया हूं ना ये तो बेचारे आगे ही पहले से उजड़े हुए घर हैं जितनी <laughs> सफेदी सफेद करवा रहे हैं मैं तो पहले से ही बने बनाए घर को छोड़ गए प्रिंसिपल पे असूल पे बिल्कुल असूल पे असूल के आगे कुछ नहीं है तो क्वेश्चन ये है कोई भी कहना यहाँ मैं आपके कह दूँ और फिर मैं करूँ ना मैंने आपको तीन फोन कहे ना आप उनसे पूछ पूछना फोन आया साहब कहते जम्मू डिक्लेरेशन के लिए मैं जाऊँगा वो आए आपके पास नहीं वो कहा आए बेचारे कहा आए आज मैं फोन करूंगा जम्मू डिकले संभव है सुनो मेरी बात जम्मू हम नकल नहीं मार रहे भले नकल नहीं है फेल होना मंजूर है नकल नहीं मारते कश्मीर की नकल थोड़ी कामयाब हुई फिर फेल हो गए टूटे क्यों फिर सजाज साहब को क्या हुआ दो तो तीन दल वैसे कैसे हो गया ये बात नहीं होनी चाहिए थी बड़ी जल्दी ही काम खत्म हो गया नहीं होना चाहिए किसकी प्रेशर आया या उन्होंने बेइंसाफी की अलायंस ने दो कोई बात तो हुई हो दोनों में से कोई बात तो है ना तो क्वेश्चन है कि वो बड़े कामयाब नहीं हुए हैं अभी अभी वो कामयाब बड़े नहीं हुए अभी भी देखो सब जब भी हम मैं अगर हम अलायंस होते हैं जुड़ते हैं तो फिर ईमानदारी से जुड़ना चाहिए फिर जिसे किसी ने कह दिया कि मैं जुड़ा इनके साथ लेकिन मेरी सीटें इन्होंने हरवा दी तो ऐसा अलायंस बनाने से पहले इसलिए थोड़ा लंबा चल लो थोड़ा देख लो ये अगर ये सारी चीजें अपने मन से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से होनी चाहिए इधर से भी कर दो तो, इधर से ना करोगे सोचा है नहीं मन में है ही नहीं दोनों का गैप होगा तो नहीं हो पाएगा बात बनेगी नहीं। हम यहाँ और यहाँ से बात करते हैं हमने कभी मैंने आज तक जो कहा है मैंने कहा ये टैक्स लगाएंगे हुआ मैंने कहा ये हमारा डोमिसाइल दिखावा है ये ये डोमिसाइल भी खत्म कर देंगे आधार पे आएंगे आए मैंने तक यो कहा हो, वो क्योंकि मैं कह रहा हूं इनको पांच सौ मसला है दो सीट का मसला नहीं है जम्मू वाली कश्मीर की तीन सीट्स हैं वो उनका मसला पहले इनसे चला गया लद्दाख वाली सीट सेटल कर रहे हैं वो इनको मिलेगी क्योंकि इन्हें शेड्यूल देना है लद्दाख को देना लद्दाख के बच्चों को देना बहुत अच्छी बात है लद्दाख को उनकी आइडेंटिटी सेव करना बहुत अच्छी बात है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट की आपको पता नॉर्थ ईस्ट स्टेट के पैटर्न पर हो रहा है क्या जो लोग गोरखे होंगे उन्हीं का काम होगा क्या मंगोल मंगोल का काम करोगे आप देखो ना वो सारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं सारी और हमारी लद्दाख वाले इनकी बुद्धिस्ट लोग हैं बड़ी अच्छी बात है और ये सारे इन्होंने सारे जो लाए ना अभी कागज़ हम हाँ निकालना सारे कागज उधर से लाए हैं अठारह सौ तिरपन तक के कागज़ लाए हैं जो बंगाल का एक, एक एक्ट बना था कि यहाँ कौन आदमी आ सकता है अंग्रेजों ने बनाया था वो भी एक्ट लाया और वो एक्ट लागू हुआ बोडो पे बोडोलैंड पे मणिपुर पे अभी परमानेंट सिटीजन सिस्टम शुरू हो गया और यार हिम्मत है तो नॉर्थ ईस्ट का क्यों नहीं तोड़ते वह हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है उसकी बड़ी चिंता है आपको क्या जम्मू कश्मीर की चिंता नहीं है क्या चौहे साहब आपने बीच में ये कहा था कि जम्मू को परमानेंट जम्मू को स्टेटवुड का दर्जा मिलना चाहिए क्या आप आज भी उस बयान पर कायम है मानते हैं कि जम्मू और कश्मीर को इकट्ठा रहना चाहिए देखो जम्मू कश्मीर किट्ठा नहीं रहना चाहिए देखो कश्मीरियों ने किठे रह के खासकर उनके लीडरों ने लोगों का कसूर है नहीं तो लोग तो आगे आएंगे भी नहीं आने तो वही हैं अभी आए तो वही है ना तो बालों के हुआ ना तो पहले हुआ अब इनको जम्मू वाली साठ सत्तर लाख पॉपुलेशन है लदाख और चार लाख वाली करवा गई ये अभी तक सोच विचार में पड़े हुए हैं नेशनल करेक्टर राष्ट्रवादी क्या वो राष्ट्रवादी नहीं रहेंगे लद्दाखी क्या है? हम कौन से राष्ट्रवादी ये इन्हीं दो पार्टी में घुसेंगे तो तभी राष्ट्रवादी हो जाएंगे और यहाँ से अगर आ, फेडरल स्ट्रक्चर बन, बनता है तो नुकसान है क्या देश पूरा फेडरल होना चाहिए मेरी राय है और ये होगा नोट कर लेना मेरी बात आय होगा दस साल के बाद होगा जम्मू स्टेट बनेगी पूरी जम्मू तो स्टेट तो बननी है और रोक नहीं सकता कोई क्योंकि आइडेंटिटी हमारी डोगरा लैंड है हमारी वी आर अ डोगरा लैंड फ्रॉम

इतनी बड़ी बड़ी रियासत को बना सकते हैं, बना सकते हाँ हैं। तो मुझे बताएं कि आप भी डोगरा हैं आप सुकुड़ने की बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि नहीं कश्मीर को भी अलग कर दो मखंडे सुनो क... सर क्वेश्चन यह है कि वो थे राजा वो उन्होंने जम्मू को अपने डोगरा है तो डोगरा रूल रहा ना डोगरा रूल किया सब पे सरहदें अंग्रेजों ने कहा था अठारह सौ में बाईसर रावी नीर ग्रास करना आप इधर जितना आगे जा सकते हो हम बेचारे पहाड़ी हम हाँ वो डोगरा हमने दुनिया के सारे पहाड़ जीत लिए वहाँ कोई बंदा था ना था हम जीतते ही चले गए चाइना तक पहुंचे अब तो चाइना पहुंच गए थे और जब चाइना पहुंचे तो हमारा गुलाब सिंह साहब को अंग्रेजों ने कहा भाई साहब चोरावर को कहिए रुक जाए आगे मत जाए उनको रोकने के लिए घोड़ा भागा था तो फिर उनकी रास्ते उनकी बाद में वहां लड़ाई में बहुत डेथ हो गई मौत हो गई तो कहने का मकसद है अंग्रेज भी डर गए कि ये बढ़ता गया बढ़ता गया तो कल अंग्रेजों का शासन छीन ले शासन छीनना उस समय देश हमारा हिंदुस्तान तो रहा ही नहीं था अंग्रेजों ने जगह जगह अपने स्टाइल से तरीके से चीजें। आज आप क्यों चाहते हैं कि जम्मू संभाग तक महदूद हो जाए कश्मीर भी छोड़ हम, दें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी छोड़ दें गिलगित बल्तिस्तान भी छोड़ दें हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान का मेरी बात सुने उनको वहाँ कैसे सेटल करना ही इनका काम है जब मैं उस कुर्सी पे मैं तो वो बात करूँगा आज मैं जिस कुर्सी पे मैं उसकी बात करूँगा अब मैं डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी का चेयरमैन हूँ तो डोगरों की रिप्रेजेंटेशन मुझे डोगरों का डर लग रहा है कि डोगरा आइडेंटिटी खत्म हो रही है और डोगरा आइडेंटिटी खत्म होने का मकसद है कि एक वो जो अंग्रेजों की अंग्रेजों ने परखी हुई कौम थी डोगरा जिसके लिए उन्हें डोगरा सर्टिफिकेट दिया था वो आज यहाँ से ख़त्म हो जाए तो ये बहुत बुरी बात है इसलिए देश के लिए ही भी स्ट्रांग है इस आइडेंटिटी को सेव करना मैं आइडेंटिटी सेव कर रहा हूँ मैं, मैं हिंदुस्तान से बाहर नहीं निकाल रहा और ये यहाँ से लेके अपने अपना पूरा प्राविंस आप पार चले हैं माधोपुर के पास पठानकोट प्योर डोगरा है ठीक आपका गुरदासपुर प्योर डोगरा है होशियारपुर प्योर डोगरा है और इसके साथ हिमाचल का कांगड़ा प्योर डोगरा है बाकी ये बेल्ट डोगरा है इधर तक बाकी आगे जलंधर जाओ ये डोगरे थोड़े हैं पंजाबी है आगे चले जाओ बटाला फिर उधर चले जाओ कादिया की तरफ पंजाबी है ये प्योर डोगरा है और इनको डोगरा सर्टिफिकेट पंजाब गवर्नमेंट दे रही है देती है हमारा हमारा छीन लिया पहले इन्होंने छीना कश्मीर ने छीना इसलिए मैं कहता हूँ क्यों उनके साथ जुड़ना है बेवकूफ लोग आपने हमारा आइडेंटिटी क्यों सीज कर रहे हो भाई बट द प्रॉब्लम यू हैव हम हिंदुस्तानी हैं इनसे ज़्यादा है हिंदुस्तान की सारी सरहदों पर हमारे लोग रहते हैं मैक्सिमम हमारी हमारे ही लोग साइचन पे हमारे लोग पहाड़ों पे हमारे लोग खेत खलिणों में दूर दराज इलाके में हमारी डोगरा सुरक्षा रक्षा इनकी कर रहे हैं हम हिंदुस्तानी पकेट टके लेकिन आइडेंटिटी की वजह से हमारी अपनी पहचान है अपना वो पहचान का मकसद है कि जब एक पहचान बनी हुई है और उस पहचान की कल को ढूंढना पड़े तो हमें वही एक आर्मी ऐसी चाहिए जो हमारे देश के लिए बड़ी अच्छी है जिसकी लड़ने का तरीका अच्छा है जीतने का तरीका अच्छा है वो ढूंढना पड़े देश के हालात कब तक कहाँ बिगड़ने हैं कैसे होने है, क्या होना है ये आइडेंटिटियाँ आपको सेव करने पड़ेंगी आप गोरखा सिख ये तीन आइडेंटिटी उन्होंने बचा के रखी थी आज आप देखिए आइडेंटिज कई आइडेंटिटियों पर इल्जाम लग गए बहुत बुरी बात है कईयों में माओ का लग गया कईयों का खालिस्तान पर लग गया और डोगरों पे कब लगाना है उसे बचा रहे हैं भाई साहब बचा लो यार तभी आखिर में साहब ये जानना चाहूँगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो बढ़ गए हैं एल को लेकर भी लोग परेशान हैं आपका मत इस पर क्या है क्या कहते हैं देखो भाई साहब इन्होंने इतनी तरक्की कर दी है यू नो बेटर सड़कें बना दी बड़ी लंबी चौड़ी आप सुन रहे होंगे इतने बहुत ज्यादा बिजली टेलीफोन 4G दुनिया भर का काम कर दिया है इस समय टोल टैक्स इतना कुछ हो गया है सारा कुछ इन्होंने कर दिया लोग इतने सौके हो गए हैं कि पेट्रोल के उनके पास पैसे बच रहे हैं लोगों के पास जे में बड़ा पैसा बचा हुआ है क्योंकि वो तो, टोल से बच गया राइट लगा अभी तो भी, 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 भी बच रहा है प्रॉपर्टी से, से बच गया अब पूरा अब जमीनों पे टैक्स है उस पर बचना है ये पैसे बच रहे है। कहते हैं कि ये पैसे क्यों बच रहे हैं भाई अब इस पर लगा दो पेट्रोल मुझे बताओ यार लोग सरकार बनाते क्यों हैं यार मैं सही बात मतलब इस पर आओ लोग सरकार इसलिए बनाते हैं कि हमें सुख देगी सरकार अब लोगों को पूछो आपको सुख मिला दिन हो गया आपके बढ़िया सुख मिल गया आपको सरकार जब बनाता आदमी तो सोचता कि मुझे जो फैसिलिटी दिलवाएगा मुझे ये काम मेरा हो जाएगा मुझे मुझे नौकरी मिल जाएगी मुझे रोजगार मिल जाएगा मेरी सड़क अच्छी हो जाएगी मेरी गली अच्छी हो जाएगी मेरा पानी अच्छा हो जाएगा मेरी बिजली अच्छी चलेगी मेरा हर जीना अच्छा हो जाएगा मेरी प्रॉस्पेरस लाइफ करेगी ये पार्टी ये था ख्वाहिश प्रॉस्पेरस लाइफ हर बंदा वोट इसलिए डालता है मैं कहता हूं तो चौधरी लाल सिंह आपने सुन लिया बेबाकी के साथ इन्होंने एक बात कही कि जम्मू डिक्लेरेशन की जब बात होगी जम्मू संभाग को एकत्र करने की इकट्ठा करने की जब बात होगी तो मैं फोन करूंगा मैं सबसे बात करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि हम एक प्लेटफॉर्म पर आकर जम्मू की बात करें दल हमारा कोई भी हो लेकिन मुद्दा हमारा है जम्मू संभाग को पोलिटिकली एम्पावर करना और ये सुनिश्चित करना कि आने वाले वक्त में जम्मू को एक राज्य का दर्जा मिले और एक मैप भी चौधरी लाल सिंह ने आपको बता दिया कि जम्मू के साथ गुरदासपुर और कौन कौन से और डिस्ट्रिक्ट हैं जिले हैं जो जुड़ते हैं जहां पर डोगरा हैं क्या जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा और क्या जम्मू के राजनेता एक एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे